हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम टेक। आज मैं आगे के रेशियो के नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और आप लोगों ने अगर पीछे क्वेश्चन नहीं देखे हो तो आप लोग वीडियो जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर में क्या कहा गया है कि 200 ग्राम की 1 मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह 3:5 हो जाए। हम लोग पहले क्या करते हैं, ये जो इस पे जस्ते और तांबे का अनुपात दिया गया, हम लोग देख लेते हैं कि पूरी धातु में कितना जस्ता और कितना तांबा, हम लोग पहले उतना निकाल लेते हैं, फिर बाद में आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टोटल कितनी दी है, टोटल हमारे पास 200 ग्राम है, और जस्ते और तांबे का अनुपात कितना है, जस्ता और तांबा कितने अनुपात में, 5:3 के, 5:3 के। तो ये इनका अनुपात दिया, हम लोग देख लेते हैं कितना जस्ता और कितना तांबा है। तो इस पे कितने दिए गए हैं, टोटल 8 है, 8 की वैल्यू 200 के, 1 = 25 के, 25 × 200, तो 25 का इस पे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 की वैल्यू 125 और 25 × 75, मतलब जो 200 ग्राम पूरा हमारे पास मिश्रण है उस पे 125 जस्ता है और तांबा कितना 75 है। फिर इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। हम लोग क्या करते, पहले लिख लिया जस्ते को, फिर लिख लिया हमने तांबे को, फिर क्या कहा गया है इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए, इसमें कहा गया कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए। ऊपर वैल्यू जस्ता की है, नीचे तांबा की, हमने मान लिया कि x ग्राम तांबा मिलाया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:5 का हो जाता है, 3:5 का हो जाता है। बस अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, 125 × 625 = 75 × 225 प्लस का 3x, ये हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया। फिर ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 400 = 3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 400/3, और ये किसका 3 × 3 = 3, 3 × 9 = 133, सही 1/3 हमारा ऑप्शन फर्स्ट। इस तरीके से करेंगे। फिर आइए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपना 32 नंबर देखते हैं। 32 में क्या कहा गया है, 2 संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। और इस क्वेश्चन को हम लोग उसी तरीके से करेंगे, तो हम लोगों की जो पहली संख्या कितनी है, 2:3 में, पहली संख्या हमने मान ली 2x, और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या वो मान ली 3x। फिर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो हमें रेशियो में लिखना है। तो रेशियो में कैसे, पहली संख्या 2x/3x, ये रेशियो में हो गए पहली और दूसरी संख्या, और प्रत्येक में जोड़ना कितना है, 3 जोड़ना है, दोनों में 3 जोड़ दिया। फिर क्या कहा गया, तो उनका 3:4 हो जाता है, तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। बस हमारा सवाल यहीं से सॉल्व हो गया। फिर लोग आगे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4 × 8x + 12, 3×9x + 3×9, फिर 9 को इधर लाएंगे, कितना बचेगा, 12 में से 9 चला जाएगा, 3 बचेगा, और ये 8 इधर आ जाएगा, तो 9 में 8 गए 1x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x = 3, और हमसे यही पूछा गया है, 3x वैल्यू 3 आ गई। फिर हमसे पूछा गया है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो अपने संख्या क्या मानी थी, पहली 2x और दूसरी थी 3x, तो इस पर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहली संख्या क्या आएगी, 6, और दूसरी संख्या 9। फिर हमसे पूछा गया है दोनों का योग, 9 + 6 = 15, दोनों का योग 15, ऑप्शन सेकेंड ये हमारा आंसर होगा। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है, a = b = 2:3 और b = c = 4:5, तो a² b² bc का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले a और b और b और c का मान निकाल लेते हैं, तो a रेशियो b का मान कितना दिया गया है, a का मान 2 है, b का मान 3 है, और b रेशियो c का मान कितना दिया गया है, 4:5। हम लोग क्या करते हैं, पहले a b c में बनाते हैं, क्योंकि कोई भी इक्वेशन होती है तो b का मान उसमें अलग अलग नहीं होता है, दोनों एक ही होते हैं। तो हमने आपको कल ही बताया था कि a b और c बनाने के लिए क्या करते हैं, ये इसमें से फर्स्ट वाला चीज होती है उसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4 × 8 = 12, और जो लास्ट वाला होता है उसका लास्ट वाले के साथ 5 × 15, और इस तरीके से हमारा ए बी सी का रेशियो बन गया, ए बी सी का रेशियो बन गया कितना, 8:12
और 15, ये हमारा रेशियो बन गया। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी का मान ज्ञात कीजिए, तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी, इसका भी मान ज्ञात करना। तो ए स्क्वायर का मतलब कितना 64, बी स्क्वायर का मतलब कितना 144, और बी और सी 15 अट्ठे कितना होता है, ए बी और सी का मत सी का मतलब बताना है, 15 अट्ठे 8 में 8 पंद्रह 40 15 अट्ठे 120, ये हमारा तीनों का आ जाएगा। फिर उसके बाद बी इंटू सी करना, सॉरी दोस्तों बी इंटू सी हमने ए इंटू सी कर दिया, मतलब बी इंटू सी, तो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 3 18 180 आएगा, क्योंकि बी इंटू सी करना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब ये कैंसिल हो रहे हैं, इनको हम कैंसिल कर लेते हैं 4 से, तो 4 से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो 16 बार में अनुपात में है ये, फिर इसको कैंसिल करेंगे 4 तीन 12 और 4 छः 24 36 बार में, और इसको 4 से कैंसिल करेंगे 4 चौक 16 और 4 पंचे 20 16 36 45, इसके बाद तो आगे कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन। फिर आइए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर हम देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इस पे कहा गया है यदि ए अनुपात है बी बराबर इतना, बी अनुपात है सी बराबर इतना, और सी अनुपात है डी बराबर इतना, तो ए बी सी डी बराबर हैं। अब हमने आपको बताया कि रेशियो कभी भिन्न में होता नहीं है, तो हम लोग इसको पहले सही से लिख लेते हैं। तो पहले क्या दिया गया है, ए अनुपात है बी, इसका मान कितना 1/2 अनुपात है 3/8। फिर क्या दिया गया है, बी अनुपात है सी, 1/3 अनुपात है 5/9। फिर क्या दिया गया है, सी अनुपात है डी, 5/6 अनुपात है 3/4। और इसको हमें अभी सही से लिखना है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम मान लो आ गया 8, इसका एलसीएम 8 गया, तो 2 से कितने बार में कट जाएगा 4 बार में, और 8 से कितने बार में 1 बार में, जो ऊपर दिया होगा उसका मल्टीप्लाई, तो 8 एकम 8 और इसका 3 का मल्टीप्लाई 3, हमारा इतना आ गया। फिर ऐसे बी और सी में, इसमें एलसीएम कितना 9 आ जाएगा, तो 3 तिरका 9 ऊपर 1 का मल्टीप्लाई, तो 3 ही बचेगा, 9 एकम 9 ऊपर कितना 5, तो 5 आ जाएगा, और इस पे एलसीएम कितना 12, तो 6 दूनी 12 और ऊपर 5 दिया तो मल्टीप्लाई 10, 4 तीन 12 3 तिरका 9, हमारा ये आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को सेम मेथड, पहले हम लोग ए बी और बी सी को ले रखे, यहाँ से खत्म और यहाँ से चालू हो गया, तो हम लोग क्या क्या निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनसे निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं वही मेथड, इसका दोनों में गुणा करवा देते हैं, तो हम लोग दोनों में इसका दोनों में गुणा करवाते हैं, तो कितना आएगा 3 चौक 12 3 तिरका 9 और 5 तिरका 15, ये ए बी सी का रेशियो आ गया इन दोनों से मिलकर, हमारा बचा कितना सी अनुपात डी। तो अब बताइए सी से खत्म हुआ और सी से चालू हो गया, मतलब हमारा रेशियो सही लिखा हुआ है, और सी और डी का मान कितना था 10 और 9। फिर हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो 12 दामन, जो हमारा अब निकलेगा वो किसका निकलेगा, ए बी सी डी, इसका समय मल्टीप्लाई कराते हैं हम, तो 12 दामन 120, 10 9 90 और 15 दामन 150 और 15 9 फिर जो लास्ट वाला होता है उसका लास्ट वाले के साथ 15 9 135। बस हम लोगों का ये पूरा रेशियो जो हमारा बनना था वो बन गया। फिर उसके बाद हम लोग इसके बाद सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर देख लेते हैं कि ये किसी से कट रहा है या नहीं कट रहा है, 120 90 150 और 35, तो ये हमारा कटने से कट जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 से 24 5 से 18 5 से 30 5 2 10 5 7 35 27 से कट जाएगा, अभी भी कट रहा है क्या, अब देख लेते हैं, हमारा 3 से कट रहा है 63 24 36 18 3 दाम 30 और 3 9 27, हमारा इतने बार में कटा। फिर उसके बाद 8 6 10 9, ये हमारा क्या बन के आ गया रेशियो, ऑप्शन में दिया है क्या, तो ऑप्शन थर्ड 8 6 10 9। और इसको करने का एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, जिसपे आपको लगेगा कि हाँ ये एक ट्रिक मान लो या कॉन्सेप्ट मान लो, निकलेगा वो इसी से, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सही अनुपात में लिख लिया था, फिर उसके बाद क्या करना था, हम लोग पहले का गुणा पहले से और फिर पहले का गुणा पहले से, हम लोग पहले पहले के रेशियो ले लेते हैं तीनों से, और लास्ट के लास्ट का रेशियो लास्ट से और लास्ट का लास्ट से, तो हमारा क्या वैल्यू निकल के आएगी, ए की वैल्यू निकल के आएगी और डी की, मतलब पहला लिया है तो पहले की वैल्यू और लास्ट लिया है तो लास्ट की वैल्यू निकलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 3 12 और 12 9 108, ये हमने पहले पहले गुणा कराया, फिर हम लोग लास्ट वाले गुणा करते हैं 30 25 15 और 15 9 135 135 आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग काट लेते हैं कितना, 4 3 12
सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, 4 3 12 52 120 आएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, तो 15 8 120 15 नहीं है 135, तो हमारा ए का मान कितना आया 8 आया और डी का मान 9। तो कौन सा, ए का मान 8 और डी का मान 9, इसके अलावा तो कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया गया, तो हमारा यही ऑप्शन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबका पहला ले लेंगे और इसमें सबका लास्ट, तो हमारा किसकी वैल्यू निकल के आएगी, ए और डी की। तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप लोगों को ये मैंने पूरा करके बता दिया, फिर ये थोड़ा शॉर्ट में बता दिया है, इससे आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो एग्जाम में, ये आपको काम देगा। फिर उसके बाद आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर। 35 नंबर में क्या कहा गया है, दो संख्याएं 5:7 का अनुपात है, दोनों में से 40 घटाने पर वे 17:27 के अनुपात में हो जाती हैं, इन संख्याओं का अंतर क्या है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने पहले भी किया है कि दो संख्याएं जो हमारे पास हैं वो कितनी हैं, पहली संख्या मान ली 5x, ये हमारी पहली संख्या हो गई, और दूसरी कितनी हो गई 7x। फिर क्या करते हैं, अनुपात में दिए तो हमने लिख लिया अनुपात में 5x / 7x, दोनों में से 40 घटा दिया जाए तो हमने दोनों में से 40 माइनस कर दिया। फिर उसके बाद कितना अनुपात हो जाता है, 17 और 27 का अनुपात हो जाता है। बस फिर उसके बाद हम लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो ये थोड़ा मल्टीप्लाई आना चाहिए, 27 × 135x माइनस, और 40 से 27 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 10, 1080 आएगा। फिर 17 × 7 = 119x, इसका हमने मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस 17 × 68 = 680। उसके बाद हम लोग पक्षांतर कराते हैं, पक्षांतर कराने के बाद आओ बताइए 135x है यहाँ 119 है, 119 इससे माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 19 × 6 = 25 = 10 = 35, मतलब कितना 16x। फिर यहाँ माइनस का 680 है, इस तरफ ये 1080 आएगा तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 400। फिर उसके बाद x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 × 32 16 × 5 = 80, x की वैल्यू 25। उसके बाद हमारा कितना निकला, हमारा निकला x बराबर 25। फिर सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया है इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में अंतर कितने का है, अंतर है 2 का, तो हमारा x बराबर 25 निकला है तो 2x बराबर कितना निकलेगा, क्योंकि 7x - 5x बराबर कितना 2x, 2x बराबर कितना निकलेगा, तो 2 × 25 बराबर 50 के, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। फिर ऐसे ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर में देखते हैं, 36 नंबर क्या कहा गया है, 504 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 13:11 है, तो जो बॉयस हैं वो कितने 13 और गर्ल्स कितनी हैं 11, इस अनुपात में ये लोग हैं और टोटल कितने हैं, टोटल 504 हैं। हमारे पास टोटल कितने हैं, 13 11 13 10 23 24, तो 24 बराबर 504 के, तो 1 बराबर 24 × 48 और 24 = 24, हमारे पास 1 बराबर 21 के। फिर हम लोग देख लेते हैं जब 1 बराबर 21 तो बॉयज कितने हैं, बॉयज है हमारे पास 13, तो 13 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 13 × 13 और 13 × 26 = 27, 273, मतलब जो बॉयज होंगे 273 और जो लड़कियां होंगी वो कितनी होंगी, तो 11 की वैल्यू, तो 11 × 11 और 11 × 22 11 जो हमारे पास गर्ल्स हैं वो कितनी है उसको देख लेते हैं, तो 11 × 11 और 11 × 22 123, 231 ये हमारे पास आ गई कौन, लड़कियां। फिर आगे हमारे सब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि 12 और लड़कियां भर्ती कर ली जाती तो उनका नया अनुपात कितना होता, तो मतलब लड़के उतने ही रह गए कितने 273 और लड़कियां कितनी भर्ती कर ली गई 12, तो कितनी हो गई 2 × 3 × 3 × 4 कितनी हो गई 243। फिर उसके बाद लड़कियां हो गई 243, फिर ये किससे कट जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, हमें रेशियो चाहिए 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 3 × 8 = 24, 3 × 3, ये लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आ गया 91:81। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उनका नया अनुपात, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट, और इस बुक में जो दिया गया है इसका आंसर दिया गया 81:91, तो वो सही कर लेना आप लोग, वो गलत दिया गया है, हमारा राइट आंसर क्या होगा 91:81, क्योंकि बॉयज कितने 91 और गर्ल्स कितने 81,
यही आंसर आएगा। और इसका बुक में सॉल्यूशन में आंसर तो इतना ही दिया गया है, बस जो उत्तर माला है उस पर थोड़ा गड़बड़ कर दिया गया, वहाँ पे ऑप्शन सेकंड कर दिया गया है। तो आप लोग इस चीज़ से परेशान बिल्कुल मत होना, मैंने इसको कई बार बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 91-81 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर देखते हैं 37 में क्या कहा गया है। 37 में कहा गया है ए और बी की मासिक आय 5-6 के अनुपात में है। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, जो आय है किसकी, ए और बी की, तो वो कितने अनुपात में है, 5-6 के अनुपात में है। फिर उसके बाद तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3-4 है, तो जो व्यय है उसका अनुपात कितना है, 3:4 है। ये ए बी के व्यय का ही अनुपात है, ये कितना हो गया, 3-4 के अनुपात में हो गया। फिर यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 रुपये तथा 1600 रुपये की बचत करते हैं, तो अब इस चीज़ को हम लोगों को इससे करने की ज़रूरत है ही नहीं। हम आप लोगों को बताते हैं कि आय में से अगर हम लोग बचत घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, खर्चा। आपको आपकी मान लो 5000 आय है और आपने 500 रुपये बचा लिए, तो कितने खर्चा कर लिए, 4500 कल खर्चा कर लिए, वो इसी से निकालोगे। फिर तो आय जो हमारा दिया है वो 5-6 के अनुपात में है, तो हमने मान लिया कि 5x और 6x ये हमारी आय हो गई। फिर क्या दिया गया, वो 1800 और 1600 की बचत करते हैं, तो हमने आपको बताया कि आय में से बचत घटा दीजिए, तो आय कितनी है, 5x, तो 5x/6x ये हमारे रेशियो में दिए थे, अनुपात में था, इसलिए 5x-6x, और इनमें से पहले 1800 रुपये और ये कितना, 1600 रुपये बचत करते हैं, तो रेशियो कितना निकला, तो व्यय का अनुपात कितना हो गया, जो खर्चा हुआ हमारा कितना, 3-4 का। हम लोग इससे आसानी से कर लेंगे। फिर 4×5=20x, 18×4=7200 बराबर 6×3=18x-16×3=4800, ये हमारा इसका सलूशन आया। फिर इसको 75 करके ले जाएंगे, 18 इस साइड आ जाएगा, कितना बचेगा, 2x बराबर, और 4800 माइनस का इस साइड, ये 7200 आएगा, तो 7200 प्लस का हो जाएगा, मतलब प्लस का ज़्यादा है, तो संख्या कितनी प्लस में आएगी, तो 72 में 48 गए, कितने बचे, 2400। एक्स बराबर कितना आ गया, 1200। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। फिर हमसे पूछा गया है बी की मासिक आय, तो बी की मासिक आय कितनी थी, 6x, तो हमें 6x की वैल्यू चाहिए, तो बी की मासिक आय कितनी होगी, 6x है, तो हम लोग 6×12 बराबर 7200 ऑप्शन 4 इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर देखते हैं। 38 में कहा गया है एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं, तो बॉयस और गर्ल्स हैं कितने, 3:2 के अनुपात में। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हों, तो अवयस्क लड़के तथा लड़कियों का संख्या किस अनुपात में है। हम लोग इनको सरल करने के लिए क्या मान लेते हैं, 300-200, क्योंकि ये रेशियो दिए हैं, तो कुछ भी मान लो, कितने भी चीज लगा लो उतना ही आएगा। फिर क्या कहा गया है, 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, और हमसे पूछा गया है अवयस्क लड़के तथा लड़कियों की संख्या किस अनुपात में है। तो अगर 20% लड़के वयस्क हो गए, तो अवयस्क कितने बचे, 80%, तो 300 का 80%। फिर रेशियो, अगर 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो अवयस्क कितनी होंगी, 75%, तो 200 का 75%। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 8×3=24, 240 लड़के निकल आए जो अवयस्क हैं, और 75×2=150, हमारा 0 से 0 कट जाएगा, 3×8=24 और 3×5=15, जो रेशियो निकला हमारा कितना, 8 और 5 का, ये हमारा सही आंसर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर। 39 में देखते हैं कि क्या कहा गया है कि 7:15, 15:23, 17:25 तथा 15/27 अनुपात में सबसे छोटा अनुपात कौन है। और इसको हमें पता लगाने के लिए कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा अनुपात क्या है, उस पर हम लोगों को एक ही चीज़ करनी रहती है, वो क्या है कि हम लोग इस पर डिवाइड करा के देख लेते हैं, जिसका मान छोटा आएगा उसी की वैल्यू छोटी होगी। हम लोग क्या करते हैं, 7/15, तो हम लोग कितनी बार में जाएगा, अगर हम दशमलव लगा देंगे और 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो 15×60 0.4 बार में जाएगा। फिर क्या करते हैं, 15/23, फिर लिख लिया हमने कितना, 15/23 लिख लिया,
15/23 लिखने के बाद फिर इसका जब भाग देंगे तो हम लोग पहले तो जीरो लगा लें, दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 150। जब 150 हो जाएगा तो 23 छक्का कितना 138, 23 छक्का 138 मतलब ये 6 बार में जाएगा लगभग, हम पूरा पूरा नहीं काट के देख रहे हैं। फिर 17/25 इस पर भी हम लोग दशमलव लगाएंगे पहले तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, मतलब जीरो बढ़ जाएगा कितना 170 हो जाएगा। फिर 25 छक्का 150 मतलब ये भी कितना 0.66 के आसपास आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया 15/27 और इस पे भी हम लोग दशमलव लगाएंगे तो ये कितना 150 हो जाएगा और 27/5 135 मतलब 0.5 के आसपास जाएगा। आप बताइए सबसे छोटा कौन सा है 0.4, जब ये सबसे छोटा है तो अनुपात भी सबसे छोटा कौन सा होगा 7/15 या 7/15, ये हमसे सबसे छोटा अनुपात होगा ऑप्शन थर्ड। हम लोग इस तरीके से देखेंगे, अगर यहीं पे दो जैसे ये ऑप्शन थे 0.4 अगर एक और इलिमिनेट हो जाता तो हम लोग क्या करते इन दोनों को तो आउट कर देते क्योंकि 0.6 और 0.5 आया, इनका हम एक बार और भाग दे के देख लेते सो ये लोग अलग अलग इनमें पता चल जाता कौन सा छोटा बड़ा है। तो फिर हम लोग इस तरीके से करते हैं, जब हमारा एक ही बार में निकला आ रहा है तो हम क्यों इसको दो बार से भाग करें। फिर आगे चलते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है कि ₹1 एक थैली में ₹1.50 तथा 10 पैसे के सिक्के हैं, ₹1.50 और 10 पैसे के सिक्के हैं, वो भी कितने 3, 4, 10 के अनुपात में है, तो 3, 4 और 10 के अनुपात में। इसको करने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर इस पर रुपए दिए हैं, कुल मूल 102 है, कुल मूल कितना 102 है, 102 रुपए है, तो हम लोग इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर एक रुपए के 3 सिक्के होते तो आपके पास कितने रुपए होते 3 रुपए होते, 50 पैसे के 4 सिक्के तो आपके पास रुपए कितने होते 2 रुपए होते, 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए होते 1 रुपया होता। आपके हिसाब से कितने रुपए हो गए 3, 2, 5, 1, 6 रुपए। क्वेश्चन में 102 एक बराबर 6×6 और 6×7 = 42 हमसे पूछा गया 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 10, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी 10×17 बराबर कितना 170 ऑप्शन 4, 1×17 तो 10×170। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर में क्या कहा गया है, 41 में कहा गया है यदि एक धनराशि को ए बी सी में इतने अनुपात में वितरित किया जाता है तो ए बी से 400 रुपए अधिक पाता है, तो हम लोग लिख लेते हैं ए बी और सी 1/2, 1/3 और 1/4। और आप लोगों को पहले भी पता है कि रेशियो कभी भिन्न में होता नहीं, तो हम लोग इसको सही से लिख लेते हैं। एलसीएम कितना 12, तो 2×12, 3×4 = 12 और 4×3 = 12, ये हमारा सही से लिख गया। फिर उसके बाद क्या कहा गया है ए बी से 400 रुपए अधिक पाता है, ए बी से 400 रुपए अधिक पाता है और हमारे हिसाब से कितना अधिक पा रहा है 2, तो 2/400 के तो 1 बराबर कितना 200 के, तो 1/200 के तो कुल धनराशि कितनी है, कुल ये कितना है 6×4 = 10, 3×13, 1 की वैल्यू 200 तो 13 की वैल्यू 2600 ऑप्शन 4। फिर आइए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 42 नंबर, 42 हम लोग करते हैं। 42 में कहा गया है एक धनराशि को 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया कि एक के हिस्से में 6 गुना को जब दूसरे के हिस्से के 15 गुना के साथ जोड़ा जाता है तो संपूर्ण राशि 8 गुना प्राप्त होती है, दोनों हिस्सों का क्या अनुपात है। हम लोग इसको क्या करेंगे एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे, पहले क्या कहा गया है एक के हिस्से को 6 गुना तो हमने लिख लिया 6 गुना, दूसरे के हिस्से को 15 गुना 15 गुना, फिर संपूर्ण राशि का कितना 8 गुना और बस हम लोग एलिगेशन लगा देते हैं। और एलिगेशन का रूल क्या होता है कि जो हमारी फर्स्ट 2 वैल्यू होती है और जो संपूर्ण होगी वो 6 और 15 के बीच में ही आएगी, अगर 6 और 15 के बीच में आ रही तो हमारा एलिगेशन लग जाएगा, 6 और 15 के बीच में 8 आता है मतलब एलिगेशन का रूल यहाँ लग जाएगा, तो 15 में 8 गए 7 और ये 8 में 6 गए 2, तो हमारा जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 7 और 2। हम लोग ये नहीं करते कि 6 में 8 घटाएं तो माइनस, एलिगेशन के मेथड में कभी माइनस में रेशियो नहीं बनता और रेशियो कभी माइनस में होता नहीं है, तो आप लोगों का रेशियो कितना आएगा 7/2। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया 43 नंबर, 43 नंबर करते हैं। 43 में क्या दिया गया है ए का 30%, तो हम लोग लिखते चलते हैं ए का 30% बराबर बी का कितना, बी का दिया है 0.25, तो हम लोग यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, कितना बचेगा 25/100 हो जाएगा। फिर इक्वल टू सी का 1/4
पांच इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ, फिर क्या करना है, फिर हम लोगों को इसको मान लेना है k के बराबर, कोई भी एक किसी की चीज के बराबर मान लो k, फिर इसको सोल्व करेंगे कितना, 25 एकम 25 चौको 100 कितना बचेगा, 3a अपॉन 10 बचेगा, और इसको सोल्व करेंगे कितना बचेगा, b बटे 4 बचेगा, और इसको सोल्व करेंगे कितना बचेगा, c बटे 5 और इक्वल टू k। अब लोग इनको सबको एक 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 के बराबर करते थे, तो पहले हम इसको k के बराबर करते हैं, तो 3a बटे 10 बराबर k है, यहाँ पे हमें चाहिए a की वैल्यू, a की वैल्यू तो कितनी बचेगी, a की वैल्यू 10/3, a की वैल्यू 10/3, तो ऐसे b की वैल्यू उल्टा हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 1/4 का मतलब ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगी, ऐसे ही c की वैल्यू ये ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और ये हमारे a b c के मान आ गए। अब आप बताइए कभी भी क्या भिन्न में हो सकता है, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, इन तीनों का आएगा एलसीएम 3, तो जब 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचेगा 10, दूसरे में 3 एलसीएम लेना है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, इस पे भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 15, तुम्हारा जो रेशियो बनेगा कितना 10, 12 और 15। आप लोग इसको क्या कर सकते थे, a बटे इतना लिखा हुआ था, इसको आप लोग सीधे पढ़ देते 10/3, तो ऐसे करके ऐसे सीधे आप लोग लिख देते 10/3, और ये हो जाता 4 और ये होता 5, हम लोग इसका 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कराने पे कितना 3, 12 और 15, हमारा ऐसे भी निकल आता। हमने आपको k मान के बता दिया कि ऐसा क्यों किया था, हम लोगों ने पलटा क्यों, और k तो हमारा एक स्थिरांक है या कुछ भी मान लीजिए, तो k को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर हम लोग चलते हैं 44 नंबर में दिया है 5:8, समानुपात 150, अनुपात x, हमने आपको कल ही बताया था ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, a बटे b बराबर c बटे d, इससे करते हैं। a की वैल्यू 5 दी है, b की वैल्यू 8 दी है, और c की वैल्यू 150 और d की वैल्यू x, इसको मैं सॉल्व करना है 5 से ये कितने बार में, 30 बार में, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा x बराबर 240, हमारा ऑप्शन 4। बस इतने सिंपल से क्वेश्चन है, हम लोगों को इस तरीके से करने हैं। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में क्या कहा गया है, 45 देख लेते हैं। 45 में कहा गया है तीन संख्याएं a b और c का योग कितना है 98, मतलब जो हमारे पास संख्याएं हैं a b और c इनका योग कितना है 98, और जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, a अनुपात b बराबर कितना दिया गया है 2/3, और ये कितना दिया गया है b अनुपात c बराबर कितना 5/8। अगर ये अनुपात में होता है तो इसको अपान में लिख लेते हैं, कैसे, a बटे b बराबर 2/3 और b बटे c बराबर कितना 5/8। अब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 8, ये हमने निकाल लिया, तो यहां से क्या निकल के आएगा, a अनुपात b बराबर कितना, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, और यहां से b अनुपात c कितना निकल के आएगा 5/8। हमें क्या करना है, पहले a b c में बनाना है, a अनुपात b अनुपात c बनाने के लिए हमने आपको पहले ही बताया कि अगर b से खत्म, b से शुरू मतलब ठीक है, फिर इसका गुणा दोनों के साथ कर देते हैं, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और 8 × 3 = 24, हम लोगों का ये a b c का रेशियो बन गया, और यहाँ पे a b c का योग कितना 98 दिया है, यहाँ पे 15, 10, 25 और 24 49, तो 49 बराबर अगर 98 के 1/2 के हमसे पूछा गया है, तब b का कितना है 15, तो b का मान 1 का मान 15, तो 15 का मान 1 का मान 2 है, तो 15 का मान 15 × 2 = 30, हमारा ऑप्शन 3, इस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों आज हमारे इतना ही क्वेश्चन करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमको अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, और इससे पता भी चलता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, कम से कम वो लोग इस लॉकडाउन में मैथ्स मिश्रा तो पूरी कंप्लीट ही कर लें, एक एक क्वेश्चन, हमें पता है आप कितना भी पढ़ लो लेकिन थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, तो आप इससे वीडियो देख लोगे तो सारा का सारा डाउट दूर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग ऐसे देखते जाइए, और आप लोग डेली के डेली देखते जाए तो आप लोगों को कम काम बचेगा और जल्दी हो जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इसी तरीके में पूरा कर दूंगा, अबकी बार रेशियो प्रोपोर्शन, इसके बाद सीधे पार्टनरशिप एजेस पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद लासा मासा से पूरा सरलीकरण से पूरा नंबर सिस्टम लासा मासा पूरे क्वेश्चन डायरेक्ट करा दूंगा, फिर जो बचेंगे SICI तो SICI मुश्किल से 4-5 लेक्चर में हो जाएंगे, तो आपकी अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगी, अर्थमेटिक के बाद फिर एडवांस, एडवांस में बेसिक से एक भी नहीं करवाने वाला हूँ,
यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, वहां पे एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट से बढ़िया ट्रिक से बताऊंगा, आपको देखते ही क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको मेरे द्वारा दी गई नई वीडियो का तुरंत आपको वीडियो मिल सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।